केंद्र सरकार ने अनलॉक 3.0 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कुछ गतिविधियों में छूट दी गई है तो कुछ गतिविधियों में प्रतिबंध जारी है, जिसमें सबसे अहम है स्कूल और कॉलेज। स्कूल और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे। जिन गतिविधियों में प्रतिबंध हटाया गया है वो कुछ इस प्रकार है। रात में कर्फ्यू को हटा दिया गया है, जिसका मतलब है अब रात में व्यक्तिगत आवागमन में कोई रोक नहीं रहेगी। जिम और योगा इंस्टीट्यूट को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन्हें कोविड-19 के लिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। स्वतंत्रता दिवस मनाने की अनुमति दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आने वाली सभी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होंगी, लेकिन पैसेंजर की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए और साथ ही सभी हेल्थ प्रोटोकॉल भी फॉलो होने चाहिए। जिन गतिविधियों में प्रतिबंध अभी भी जारी है वो है मेट्रो रेल सर्विस, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम्स, बार, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स जैसी गतिविधियों में प्रतिबंध जारी रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधित सभी समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। 65 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही बीमार है उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। स्कूल और कॉलेजेस 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे। अगर आप ये न्यूज़ फेसबुक पे देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।